जय दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जैन जिले के यूट्यूब पर। और नीमच और धार जिले की जो भर्ती थी, धार जिले और नीमच जिले की बात जो परिणाम आया है, मेडिकल के लिए बच्चों को स्लिप मिली है। मेडिकल का हो चुका है ना, मेडिकल आपका हो चुका है और मेडिकल होने के बाद में इनको स्लिप दी है। आज सुबह इनको बुलाया जाएगा और यहाँ इनका रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों से कि बच्चे कहाँ से हो, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी और किस प्रकार से इन लोगों ने जो वहाँ पर भर्ती निकाली है, चार राउंड जो रन किया है, किस प्रकार से किया है। जैसे जब आप रन करने गए थे तो शुरुआत की प्रोसेस जो थी, तो शुरुआती प्रोसेस की बात मतलब कंटिन्यू क्या क्या चला आपके साथ, पूरा बताना आप, ठीक है ना। मैं लेता हूँ कैमरा और इनसे बातचीत करते हैं। ठीक बेटा, जैसे सर हम अंदर गए, हमारे आधार वो एडमिट कार्ड है स्कैन हुए, अच्छा, उसके बाद हाइट वाइट हुई हमारी, फिर हमें जिले वाइज बिठाया गया, नीमच जिले और धार जिले की दोनों थी तो हमें नीमच जिले में बिठाया गया। फिर हमारे बेच बनाया गया 350 के बेच, मतलब वो बोल रहे थे कि गिनती कर रहे थे, वो गिनती करके फिर से 350 के आसपास बेच बनाया। अभी तक का जो वीडियो है ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट वीडियो है, इसमें आप क्लीन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने बंदे बैठ रहे थे और कितने बंदे किस प्रकार से चल रहे थे और टाइमिंग इनका क्या था और टाइमिंग मतलब क्या निकाला वहाँ पर। टाइमिंग 350 बंदे बिठाने के बाद में क्या करा उन लोगों ने, उन्होंने फिर वो थोड़ी देर तो बिठा के उन्होंने फिर वो मोटिवेट किया कि आप अच्छे दौड़ना ये करना, और अचानक से गो किया जी जी। उनका जो टाइम था वो तो 5:40 और ऐसा बता रखा था, लेकिन जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बंदे धावक आते हैं तो वो उनके टाइम के हिसाब से लेते हैं, जो आगे आते हैं बंदे उनको लेते हैं। कितने बंदे पकड़ रहे थे वो आगे, एक्सीडेंट में 5-6 बंदे पकड़ रहे थे, उसके बाद 60 नंबर में 5-6 बंदे, इसके अलावा फिर 15 बंदे इसमें भी पकड़ रहे थे। मतलब टोटली बंदे अगर हम देखें मतलब 20 से 22 बंदे, ये सभी सभी जो मतलब जो फाइलें थी सब फाइल में एवरेज था कि किसी फाइल में कम ज़्यादा कर रहे थे। चलिए, आपके माध्यम से एक बात ये भी क्लियर हुई कि क्या होता है कि जब बंदे जो बाहर होकर मतलब फेल होकर बंदे आते बाहर आते हैं तो वो उनके बारे में बताते हैं क्या स्थिति है, पर आपने जो चीज़ देखी वो आप लाइव बता रहे हैं। और 22 बंदों को लेने के बाद में फिर क्या प्रोसेस चलती है अपने, फिर हमारा एक फोटो लिया जाता है जो हम एक ही बेच में जिसमें एक साथ रनिंग लिया, अच्छा अच्छा, एक साथ फोटो लिया जाता है, फिर हमारे वो स्टैम्प लगाए जाते हैं इसे रनिंग पास के, ये रनिंग पास के स्टैम्प लगे हुए। आपका बना 48, आपका भी बना, आपका 60 है, आप एक्सीलेंट है। और चिनअप्स कितने लगाए बेटा आपने, चिनअप्स आपका 48, चिनअप्स का 10 चिनअप्स गुड, ये 10 चिनअप्स, 10 चिनअप्स आपका, 10 चिनअप्स आपके यहाँ लगाया ना। फिर उसके बाद ये नंबर दिए जाते हैं हमें, हमें उसके बाद हमारे नाम से नहीं नंबर से ही जाना जाता है, अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद में फिर आपको कंटिन्यू, फिर आपको मेडिकल के लिए स्लिप दी जाती है ना। तो मेडिकल आपका हो गया अभी, मेडिकल आधे बंदों का आज ही हुआ, आधों को कल की डेट दी है। आधे बंदों मेडिकल में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थोड़ा सा बताएंगे आप, मेडिकल में थोड़ा डिटेल में अच्छे से अगर अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो। मेडिकल में जो होता है भाई, मतलब क्या क्या पूछा, मतलब थोड़ा सा शुरुआत से थोड़ा बताएं थोड़ा आप शिवा। शुरुआत में तो सर हमें पहले बिठा के हमारे ये हाइट वाइट के बाद हमें चेक किया गया कि हमें ये हार्ट टच नहीं होते, हाथ में पसीना नहीं होता है, ये वेलिकोस वेन नहीं दिखनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नोकनिक्स नहीं होने चाहिए, अच्छा। उसके बाद जो पर्सनल पार्ट जो होते हैं उनको चेक जी जी, प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसको उनको चेक किया गया जाता है, ऊपर नीचे पीछे, अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी अगर पॉइंट होता है तो वो पॉइंट दे देते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चीज़ आपकी चेक की गई, नाक की हड्डी वगैरह जो भी चीज़ हो जाता है, कलर विजन हो जाता है, हाँ ये सब पहले हो जाता है, कान के वैक्स वगैरह सभी चीज़ मतलब ये सब हो जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से। शुरुआत में क्या चेक किया गया उन्होंने, चेक कलर विजन ही होता है, कलर विजन ही होता है ना, पहले आँख चेक की गई, उसके बाद फिर आपका बॉडी पार्ट चेक किया गया और लास्ट में फिर आपका जो अंदर प्राइवेट जो पार्ट था वो चेक किया गया। चलिए, अभी आप अभी तैयारी से खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या लग रहा है कि मेडिकल में आप फिट हो जाएंगे, है ना। अभी तक जो प्रोसेस आपने देखी तो किस प्रकार से मतलब की तैयारी चल रही है, मतलब आर्मी वालों की जो भर्ती चल रही है किस प्रकार से करवा रहे हैं, अच्छे से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे पकड़ बोल रहे हैं कि 20-20 पकड़ रहे हैं ये वो, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने मेहनत करी है वो बंदा पास है, सीधी बात है ना, सीधी बात न बकवास, जिसने मेहनत करी है वो सफलता उसको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। आपका बना है 88 का फिजिकल, आपका बना है 60 का, एक्सीलेंट है आप,
प्रजापति जी और आपका गोस्वामी जी 88 का आपका बना है। तो आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और निमज से आप सभी तीनों निमज से ना, ये पहले अग्निवीर थोड़ा करना, ये आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपको दिए हैं कि ये पहले अग्निवीर है। ये आपके सामने जो तीनों खड़े हुए हैं त्रिमूर्ति, ये पहले अग्निवीर है जो धार मतलब महू व्यायामों से निकले हुए हैं और ये तीनों हमसे मिले हैं। और तीनों मिलने के बाद में मालूम पड़ा कि किस प्रकार से ये चीज हुई। आपके सामने पूरी बात क्लियर हो गई है कि किस प्रकार से रन होता है, रन के बाद में किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपेक्षित होते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद फिर आपको किस प्रकार से मेडिकल के लिए ले जाता है। एक थोड़ी सी क्यूरी और थी कि आपका हाइट का जो था वो किस प्रकार से कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि जूता पहन के हाइट ले रहे हैं, जूता उतार के हाइट लेते हैं, बार एक बार बाहर चेक होती है हाइट वो भी जूता उतार के लेते हैं, एक बार रनिंग क्लियर होने के बाद अंदर भी चेक होती है वो भी जूता उतार के, मतलब कि दो हाइट आपकी होती है पहले रनिंग के पहले, रनिंग के पहले आपकी दो हाइट होती है। तो जो जूता पहनने वाली जो बात है वो भी सही सत्य हो सकती है कि कुछ बच्चों को पहले बारे में जब हाइट लेते हैं तो वो ले सकते हैं। बाकी जो दूसरी हाइट होती है फाइनल हाइट, फाइनल हाइट में आपका जूता निकाल कर आपको रन करना पड़ेगा। और हाँ एसटी का बेच अलग बनता है, एसटी का बेच अलग बनता है, कोई आरक्षण वाली बात नहीं, पर एसटी का बेच अलग बनता है, वो शुरुआत से बनता रहा है, ठीक है। और क्या टिप्स देना चाहोगे आप रन के बारे में, थोड़ा सा बताया कि रन किस प्रकार से करें, आपने रन किस प्रकार से किया, कहाँ लगना चाहिए भर्ती के ग्राउंड के अंदर, भर्ती में हो सके तब तक तो आगे लगने की कोशिश करना, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मेहनत कर रखी होगी तो पीछे भी लगोगे तो भी चार राउंड तो कंप्लीट कर ही लेंगे, जो ऐसे आएंगे वो चार राउंड दो राउंड भी नहीं दौड़ पाएंगे और बाहर हो जाएंगे, भीड़ खाली हो जाएगी। जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी वो तो सीधी बात है वो दो राउंड भी बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं कर पाएंगे। और जो कॉम्पिटिशन बचता है वो तीसरा चौथा राउंड भी बचता है, तो बस जी जान लगा के दौड़ लेते हैं। आपको आपका टाइमिंग बताइए थोड़ा सा, टाइमिंग कितना था, टाइमिंग में 5:15 देके आया था उसका टाइमिंग 5:15 और कल 5:20। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर मान लो आप में पावर है, आप में जिद है, आप में जुनून है और आप में पागल बने तो आपकी भर्ती किसी भी लेवल पर वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है आपकी भर्ती, आप पास है। ग्राउंड के बारे में थोड़ा बता रहे, ग्राउंड किस प्रकार से ग्राउंड में तो हमारी फर्स्ट भर्ती थी 1 तारीख से स्टार्ट हो रही थी, तो एक फ्रेश ग्राउंड मिला। अब आज थोड़ी बारिश हुई तो आज बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ना, जो बंदा अगर मान लो पास हो गया में उसको टाइम देते हैं, डॉक्यूमेंट अगर मालूम नहीं है तो अवेलेबल करवा दो, ऑनलाइन या करवा दो, ठीक है ना। बाकी हाँ ले जाना उचित है ना। आप थोड़ा बताइए कि जैसे आपने एंट्री करी तो 12 बजे आप बैठ गए थे, 11 बजे बैठ गए हम, 12 बजे से भी लेट गए, 12 से भी लेट गए। अच्छा जाके बैठा थे, मतलब नहीं 4 बजे रनिंग स्टार्ट करते हैं तो। अच्छा, तो कौन सी फाइल में आपने रनिंग करी थी? मैंने 4th फाइल में। आपने 7वीं? तो 7वीं फाइल हो, पहली फाइल हो, दूसरी फाइल हो, कोई मतलब नहीं है। आप में गुदा है, आप में दम है, आप में अगर मान लो करने की क्षमता है तो आप आसानी से फिजिकल पास कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इन बच्चों के माध्यम से क्लियर हुई है, इन बच्चों ने समय दिया, इन बच्चों को बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर रन होता है, किस प्रकार से वहाँ पर एंट्री होती है, डॉक्यूमेंट में वो क्या क्या चीज़ें वो इंटरसेप्ट हो रही है। हाइट का जो इशू था, बहुत सारा क्वेश्चन था कि हाइट सर जूते पहनकर आपका हाइट लिया जा रहा था, वो भी क्लियर हुआ है। रनिंग कैसे करनी है वो भी क्लियर हुआ है। ग्राउंड कैसा है वो भी क्लियर हुआ है। आर्मी वालों का व्यवहार कैसा है, वहाँ पर किस प्रकार से वो ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पर जो ग्रुप आया है, बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई है। पानी का बोले तो पानी का मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अपना टैंक बनाया वो पूरा ढलान का है ना। एक बार रन करने के बाद में वहाँ पर जो पानी गिरा है फिर धुल गई है, ग्राउंड बिल्कुल व्यवस्थित हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी गिरता है तो भी आपका ट्रैक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी फिसलन होगी, बाकी अगर आप थोड़ा दम रखते हैं तो टाइमिंग थोड़ा सा टाइमिंग आपको मिल जाएगा आर्मी तरफ से और आप भर्ती बात कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ जानकारी आप देना चाहें जो कि आपके सामने घटना घटी या जो नहीं करनी चाहिए बच्चों को, जो सजेस्ट करें हम बच्चों को कि इस प्रकार से आप ये काम ना करें जिससे आप बाहर जाए, कुछ नया जो आपके डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाइए, तो चीज़ें हैं ये अंदर इंजेक्शन लगाने वाले बंदे आए होंगे, ये सब कुछ काम के नहीं होते हैं, मेहनत कर रखी तो वैसे ही पास हो जाओगे, ये कुछ काम। बहुत ही अच्छी बात बोली बेटा आपने, बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात बोली कि आपने अगर मेहनत करी है तो आपको तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप किसी दूसरे के भरोसे अगर मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो बहुत सबसे बड़ी गलत बात है, ये हरकत मत करना। और आप फिर बहुत बहुत शुभकामना बेटा, ठीक है, भावी जीवन की बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रथम अग्निवीर है, ये पहले अग्निवीर है हमारे जो हमारे साथ में खड़े हुए और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो बेटा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अग्निवीर बनने के बाद में इतनी मेहनत करना कि 4 साल के बाद में आप कंटिन्यू और उसको कर सकें, बात समझे।
भगवान आपके सब लोग मनोकामना पूर्ण करें। तीसरा परिवार महाकाल दर्शन करने बिल्कुल आना, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।